सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल सेट टाइम गोल दिस दिस इज संदीप भैया एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि बहुत सारी क्वाइर आ गई थी इस टॉपिक पर कि भैया जामिया की कट ऑफ क्या जाने वाली है जामिया में एडमिशन कब से शुरू होगा अपलिकेशन कब से आ, जामिया के लिए अप्लाई कैसे करना है एडमिशन प्रोसेस क्या है मेरी डाउट्स आर देयर मैंने जब मैं लाइव में गया जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे अच्छा एस टी बीजी एक ऐसा चैनल है जहां पर आप अपने हिसाब की वीडियो बनवा सकते हो अगर आपके मन में कोई जेनविन डाउट है किसी कॉलेज के बारे में

दर्शन के लिए हमेशा हाजिर हैं डोंट वरी गाइज अभी लास्ट के वेबिनार में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किया और जल्दी हमारा एक और नया वेबिनार होने वाला है वेबिनार में मैं देता बच्चों को माइक एंड यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन एंड आई हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज यही तो हमारा काम है तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और जामिया के बारे में जानते हैं अगर आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो सबको इस वीडियो को देखनी चाहिए क्योंकि बहुत ही लो परसेंटाइल पर मिलने वाला कॉलेज और इसका एवरेज पैकेज जो है लगभग आठ लाख तक जाता है हाइएस्ट पैकेज तक जाता है कंप्यूटर साइंस में तो बारह प्लस का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा तो कॉलेज बहुत बढ़िया है डेली में है और फीस है मात्र और मात्र सोलह हजार सोलह हजार में बीटेक होता है भाई होता है ऐसे भी कॉलेजेस हैं अच्छा मैं जादोपुर जादोपुर तो बहुत बड़ा कॉलेज है मतलब ऐसा ब्रांड है वहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत मगज मारी है पर इधर में मगज मारी नहीं है खासकर अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तब तो, तो बहुत इजी है अभी कट ऑफ देख के पता चलेगा अपने को कितना इजी है और अगर आप मुस्लिम वुमेन है तो मत पूछिए इजीली एडमिशन हो जाएगा मतलब दो लाख रैंक प्लस में भी एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में बट अगर आप नॉन मुस्लिम है तो भी एडमिशन लेंगे लेकिन उनके लिए कट ऑफ क्या जाती है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो आपको क्या करना है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरी काउंसलिंग में आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ हैं और डेफिनेटली एडमिशन के बाद भी आपके साथ रहेंगे बट एडमिशन तक तो हम आपकी जरूरत है तो -फट लाइक कर देना है शेयर like कर शेयर कर, करना मत भूलिएगा अगर कोई बच्चा इस टाइप के कॉलेज में जाना चाहता हो तो क्या पता ये कॉलेज उसके लिए हो तो काउंसलिंग रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको एससीवीसी पर मिलने वाली है बेस्ट काउंसलर आपको सजेशन देने वाले हैं तो चलिए गाइस शुरू करते हैं तो इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब बोला जाता है कि इसकी जो न्यू रखी गई थी हमारे ही कॉलेज के कुछ एलुमिनाइज थे जो इसमें सम्मिलित थे ए एम यू के ओके तो अगर मैं इस कॉलेज के रैंकिंग के बारे में बात करूं तो इंजीनियरिंग में जो रैंकिंग है वो 26 है यूनिवर्सिटी रैंक में एन आई आर एफ रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं एन आई आर एफ एम एच आर डी एम एच आर डी ये लिस्ट प्रोवाइड करती है कि, uh, किसका कौन सा कि, कौन सा कॉलेज कौन से पायदान पर आ रहा है तो अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट निकाली जाए इंडिया में एम एच आर डी के अकॉर्डिंग हालांकि मैं इसको बहुत हद तक सही नहीं मानता क्योंकि अब वहां पर लोग प्लेसमेंट देखते हैं और उनके पैरामीटर्स अलग अलग हैं लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के अगर बेस्ट uh, तीन यूनिवर्सिटीज का नाम दिया जाए तो उसमें अपना एक जाम इस्लामी आता है एन आई आर फैसा कहता है मैं नहीं कह रहा ठीक है अगर इंजीनियरिंग रैंकिंग uh, की बात करूँ अगर इंडिया के टॉप ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट निकाली जाए तो एन आई आर एफ के अकॉर्डिंग छब्बीसवें नंबर पे कौन आएगा जामिया मिला इस्लामिया ओवरऑल जो रैंक है इसका सत्ताईस uh, है ओवरऑल uh, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए ओवरऑल सब ले लो मतलब बी टेक बी एस सी बी फार्मा इनोवेशन मतलब सब ले लो अगर तो उसमें जो इसकी रैंक है दैट इज ट्वेल्थ और नैक ने इसको जो नाक ने, नाक से इसको जो ने से इसकोगेशन मिला हुआ है ए प्लस प्लस का मिला हुआ है इसको स्टेब्लिस इस किया गया था 1920 में मैंने बताया न्यू रखने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो हमारे ही लोगों का था अगर मैं कैंपस साइज की बात करूँ तो दो कैंपस का दो सौ एगर का कैंपस है भाई साहब मेट्रो इसके कैंपस के बीचों बीच से गुजरती है रोड के है, रोड के के इधर भी भी कैंपस कैंपस है है उधर मैं तो गया हुआ भाई मुझे तो बिल्डिंग विल्डिंग सब तगड़ी लगी मस्त लगा ओके ओके है बस लोकेशन थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि अगर कोई नॉन मुस्लिम है ओकेशन <laughs> अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा क्योंकि ओखला में है ये और अगर कोई नॉन मुस्लिम है और शाकाहारी है मेरी तरह अगर है तो फिर बड़ा पहले मैं भी शाकाहारी नहीं था अब हो गया हूँ ठीक है तो अगर आप भाई आ, नॉनवेज uh, नहीं खाते हैं वेजिटेरियन है तो आपको दिक्कत होने वाला है क्योंकि मार्केट ही पूरी बिरयानी का है तो अगर कोई बिरयानी लवर है तो उधर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो कैंपस एरिया दो एकड़ का है कैंपस मतलब सुकून भरा है मस्त है बढ़िया है दिल्ली में भी आ, आ, मतलब दिल्ली में आ, अपनी आई दिल्ली भी 300 एकड़ की है ज़्यादा बड़ी नहीं है तो दिल्ली में इतना स्पेस का करना बहुत बड़ी बात है सही है ओवरऑल बढ़िया है फैसलिटीज़ वगैरह तो भाई साहब एक्सीलेंट हैं बढ़िया हैं मुझे सब फैसिलिटी वगैरह ठीक ठाक लगा क्या कमियां क्या हैं मैं वो भी बताऊंगा अगर मैं कल्चर की बात करूं तो पहले तो मुझे इस्लामिक कल्चर दिखता है लेकिन थोड़ी थोड़ी मॉडर्न कल्चर दिखती है तो यू कैन गो दिल्ली में है तो आपको अगर गेट की तैयारी करनी है तो मेडिजी ओडीजी सारी कोचिंगें बड़ी सारी बड़ी कोचिंगें दिल्ली में आपको वहाँ मिल जाएंगी अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे को यू की प्रिपरेशन करना है दृष्टि द्रिस्ट दृष्टि सारी बड़ी कोचिंगें आपको वहाँ मिल जाएंगी आपको लग रहा है नहीं भैया मैं कोडर बनना चाहता हूँ मैं हैकर बनना चाहता हूँ तो जितने भी कोडिंग के अच्छे वाले इंस्टीट्यूट्स हैं सारे दिल्ली में आपको मिल ठीक है तो एक्सपोजर भर भर के है मतलब तगड़ा एक्सपोजर है दिल्ली में होने का क्योंकि मेट्रो बीच से जाती है दिल्ली के किसी कोने में जाना है, एक घंटे में पहुंच जाओ तो मेट्रो पकड़ो और पहुंच जाओ जो, जो भी तुम्हारे काम की जगह है

से 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 मान लो और जनरल हो तो 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 तक आने वाला है। है। तो तो एक एक तरीके फ्री का ही है। अगर मैं बात एडमिशन की की तो भाई साहब एडमिशन जो जो या होगा, होगा, मेन मेन के के मार्क्स बेसिस पर होगा। में की जो आपकी मिल जाएगा बीडियो में, में जो आपकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड तक जनरल की जाती है लेकिन अभी अभी कट ऑफ में हम आ, डिटेल डिस्कशन करेंगे रिजर्वेशन की यहां पे पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बाहर वाले सिर्फ पचास परसेंट लोगों को ये लेते हैं बाकी पचास परसेंट इनका रिजर्व है किसके लिए मुस्लिम लोगों के लिए ठीक है और यहाँ के एम्प्लॉयज के लिए

एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा और मिडन पैकेज जो था ऑफ के अकॉर्डिंग सेवन पॉइंट फाइव साढ़े सात लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे जो फेस करने को बच्चों को मिलती है हॉस्टल की शॉर्टेज बिल्कुल भी हॉस्ट हॉस्टल्स बहुत कम है बीटेक वेटेक में बहुत कम लोगों को हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लोग कहते हैं पहचान होनी चाहिए तब जाके हॉस्टल मिलता है तो ये कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज है हॉस्टल का हॉस्टल लोग वहाँ पे दिल्ली में जा रहे हैं तो फीस तो कम लगती है पर रहने का खर्चा अच्छा लग जाता है क्योंकि फ्लैट लेना पड़ता है रूम लेना पड़ता है तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो जामिया में मेजरली बच्चे फेस करते हैं जामिया में ठीक है अब अगर मैं बात करूं बेस्ट कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज हैं तो यहाँ पे बीटेक में जो ब्रांचेज हैं जो सबसे मशहूर है यहाँ पे दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिर इलेक्ट्रिकल देन मैकेनिकल एंड देन सिविल सिविल और मैकेनिकल इनकी कट ऑफ सबसे लो आती है अब एडमिशन कैसे होता है इनके एडमिशन में भाई थोड़ा लोचा है मतलब लोचा क्या है कि अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो गड़बड़ी हो सकती है उसको समझिएगा हर एक ब्रांच में आपको सत्तर सीटें देखने को मिल जाती हैं हर एक ब्रांच में कितनी सीटें मिल जाएंगी सत्तर सीटें अगर मैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप टेंथ अगर आप अपियरिंग में हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो अभी फॉर्म आने वाला है और अगर आप पास आउट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन ध्यान रखिएगा आपका पीसीएम पचपन परसेंट से कम नहीं होना चाहिए ये बात ध्यान रखिएगा और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका जो होगा आप क्या आप या थर्ड ईयर में मतलब फोर्थ ईयर में हो तब आ, मतलब थर्ड ईयर में हो तब भी अपलाई कर सकते हो पास आउट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपका जो ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए वो पचपन परसेंट से कम नहीं होना चाहिए एज लिमिट का यहाँ क्राइटेरिया है अगर आप सत्रह साल से कम हो कम फर्स्ट अक्टूबर ऑफ द ईयर अब एडमिशन ईयर ऑफ एडमिशन जिस ईयर में आपका एडमिशन होने वाला है उसके जैसे इस साल एडमिशन होने वाला है तो फर्स्ट अक्टूबर अगर फर्स्ट अक्टूबर की बात करें तो फर्स्ट अक्टूबर तक अगर आप सत्रह साल से कम के ही रह जाते हो तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज का एज क्राइटेरिया है जैसे डब्ल्यू बी में है वैसे यहाँ पे भी है ये बात ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की तो मैं पहले आपको मोड ऑफ एडमिशन समझाता हूँ और काउंसिलिंग प्रोसेस समझाता हूँ सबसे पहले आपको जेई मेन देना होगा में देने के बाद से आपका मार्च में मार्च में अप्लीकेशन फॉर्म आएगा मार्च में आपका इसका अप्लीकेशन फॉर्म आएगा बच्चा फर्टी मार्च में इसका अपलिकेशन फॉर्म आएगा एंड यू हैव टू फिल द अप्लीकेशन फॉर्म और जब सेकेंड अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में फर्स्ट वीक तक अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में फर्स्ट वीक तक क्या होता है अप्रैल में फर्स्ट वीक तक मतलब आपके रिजल्ट आने आने तक ये लोग क्या करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म को क्लोज कर देते हैं अब बच्चा बज बच यहीं पे गड़बड़ी होती है सबसे बड़ी बच्चों को लगता है ना कि यार काउंसलिंग तो तब शुरू होगी काउंसलिंग तो तब शुरू होगी जब हमारे जेईम मेन में फाइनल रैंक आ जाएगा और इनकी एक तरीके से मैं गलती भी कहूंगा क्योंकि बच्चे को जब तक रैंक नहीं आता है बच्चे को क्या पता है कि उसको यहां एडमिशन मिलेगा कि नहीं तो ये लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भर दें मतलब वो बच्चा भी फॉर्म भर दे जिसका बीस परसेंट आईल है तीस परसेंट आई ले चालीस परसेंट आई क्योंकि पहले वाले से तो डिफाइन नहीं होता है कि मेरा एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है तो ये क्या करते हैं ना पहले फॉर्म भरवा लेते हैं अब क्या होता ना अगर जेईम मेन का रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भरवाते हैं तो वहां पर बच्चा वही वाला फॉर्म

जेईम का रिज़ल्ट आने से पहले ही लोग अपना फॉर्म फिल फिलअप करवा लेते थे, थे और अपना फॉर्म अब फॉर्म फिलअप करवा के बंद कर देते थे, थे और जब जेइम का रिजल्ट आता था, था और जब बच्चों को जामिया की याद आती थी तब तक पता चलता था कि इसका फॉर्म चला जा चुका है अब काउंसिलिंग में सिर्फ वही फॉर्म अब, अब काउंसिलिंग में सिर्फ वही बैठेगा जो पहले से अप्लाई किया हुआ है

अब जैसे इन्होंने काउंसलिंग पोर्टल ओपन किया होगा क्या काउंसलिंग पोर्टल ओपन करने के बाद क्या होगा काउंसलिंग पोर्टल ओपन करने के बाद ऐसा होगा कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जब करोगे तो पहले काउंसिलिंग में सब कुछ भरवा और लेंगे कि आपका रैंक कितना आया फाइनल में क्योंकि पहले तो ये रैंक भरवाते नहीं है तो रैंक वैंक भरवा के सब कुछ रेडी रख लेंगे अब उसके बाद ये लोग लिस्ट निकालना शुरू करेंगे कि पहले लिस्ट में जिसका जिसका एडमिशन हो रहा है जिसका जिसका, जिसका नाम होगा जिसका जिसका नेम होगा उसको उसको क्या करना है अपना जामिया में जाना है और ऑफलाइन काउंसिलिंग कंप्लीट करनी है फिर अगले में क्या होगा जिसका जिसका नाम होगा अगला लिस्ट निकालेंगे फिर तीसरा लिस्ट निकालेंगे तो डेट भी निकालेंगे कि आपको इस डेट को आना है तो ये लिस्ट निकालते जाएंगे और आपको जामिया में जाना है एडमिशन अपना करा के एडमिशन एडमिशन खत्म करना है पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है अब जैसे जैसे इनके नोटिफिकेशन आता जाएगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा हर एक पे वीडियो बनाऊँ कोई जरूरी नहीं है मेन पे वीडियो बना दूंगा काउंसलिंग प्रोसेस पर वीडियो बना दूंगा और बाकी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता जाएगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल अपने अप्लीकेशन एस टी बी जी बताता जाऊँगा अब आपका जिम्मेदारी रहेगा चेक करने का ठीक है हाँ शॉर्ट्स वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अब बात करते हैं कि भैया किस रैंक तक एडमिशन होगा तो एडमिशन पे बात करते हैं कि CS, पहले हम बात करते करते हैं हैं कि पहले हम का कितना जाने वाला है ठीक है वीडियो लंबी तो नहीं हो हो रही है हो है है वीडियो थोड़ी लंबी सकती ठीक अगर मैं बात सीएससी का कितना जाने वाला है है तो ये CSE का आपका है, मैं परसेंटाइल आपको यहाँ पे लिख देता तो ये पिछले साल का कट ऑफ है एक एक का मैं कट ऑफ एक्सप्लेन करता हूँ पर पिछले साल कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही लो चला गया था इस बार उससे ज़्यादा जाने की संभावना है क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स पहली बार तो ज़्यादा हो गए हैं इस बार पिछले साल के कंपेरिजन और दूसरी बात क्या है कि पहले जामिया की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती थी पर अब हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हर एक बच्चे को और खैर मजाक कर रहा था और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो क्या है कि मैंने जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल लिखी हुई है एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है

96 पे आ रहे हो तो ये मत समझ लो कंप्यूटर साइंस मेरा फिक्स है तो मैं नाइन्टी भी लाके लेके आना पड़ सकता है लेकिन मैंने ये बस आइडिया के लिए लिखा हुआ है 100 परसेंट इसी पे स्ट्रिक नहीं होना है ठीक है तो अगर देखो तो कंप्यूटर साइंस जो मिला था जनरल को अठ अड़तालीस हज़ार मिला था मुस्लिम की सीट पहले ही भर गई थी और ओ बी सी मिला था मुस्लिम वूमेन पचास तक मिला था अगर आ, प, आ, अगर मैं बात करूं तो कम से कम पचास से नाइन्टी सिक्स अगर तुम तो मुस्लिम वुमेन भी हो तो नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव से नाइन्टी सिक्स प्लस लेके आना पड़ेगा जनरल अगर नाइन्टी जो लोग नाइन्टी सेवन परसेंट टाइल पहना वो मेरे हिसाब से सेफ से है उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा हाँ मुस्लिम नाइन्टी नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव प्लस ओ बी सी आप अपने हिसाब से रेस्पेक्टिव देख लेना ठीक है और अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो 68 परसेंट परसेंटाइल पे भी हो जाएगा तो तो से से okay. तो एडमिशन हुआ था मुस्लिम की सीट पहले भर गई थी मुस्लिम एस टी की सीट पहले भर गई थी तो तुम कहोगे सर फायदा क्या है, ने, ने, फायदा, है फायदा है अभी दिखाऊंगा कि मुस्लिम्स का जनरल से काफी ज्यादा जाता है लेकिन क्या है कि जो ब्रांचेज ज्यादा Uh, मतलब जिस ब्रांचेस में कंपटीशन ज्यादा है यहाँ पे तुम्हें तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है मिल सकता है फर्क कि जनरल कैटेगरी वालों का लेट एडमिशन हो रहा हो मतलब लेट रैंक तक एडमिशन हुआ है तो कम से कम नाइनटी या नाइनटी तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं तो कहूँगा नाइनटी फोर परसेंटाइल प्लस ही मान के चलना ठीक है मुस्लिम 94 परसेंटाइल परसेंटाइज मुस्लिम वुमेन का चौरासी हज़ार रैंक तक एडमिशन हुआ था तो ये भी अपना 93 परसेंटाइल प्लस ही मान के चलें लेकिन मैंने एक मिनिमम लिख दिया है ठीक है और जामिया इंटरनल के लिए 93 थ्री होगा कश्मीरी माइग्रेंट का तुम ये हिसाब किताब देख लेना अब तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है तो ये होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि इसकी कट ऑफ बहुत लो तक चली गई ये डिपेंड करता है कि कितने कश्मीरी माइग्रेंट आ रहे हैं क्योंकि बहुत कमी कश्मीरी माइग्रेंट आते हैं ठीक है ऐसे कॉलेजों में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में 90,000 तक इलेक्ट्रिकल मिला हुआ था जनरल को कम से कम 91 वन परसेंटाइज प्लस होने चाहिए मुस्लिम को ए सी एट एट्टी तक तो 92.5 परसेंटाइल से ज़्यादा होना चाहिए मुस्लिम आ, अगर आप गर्ल हो तो एक लाख से ज़्यादा नाइन्टी परसेंटाइल से ज़्यादा हो तो भी काम चलने की संभावना है बिल्कुल आप ट्राई करिएगा जामिया में और बाकी जामिया इंटरनल और जामिया पी कश्मीरी माइग्रेंट वालों को छः छः लाख तक एडमिशन हुआ है आप ही डेटा आप जाके डेटा रीचेक भी कर सकते वेरीफाई भी कर सकते हो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल जनरल को 119000 रैंक तक मिलता है अब इस रैंक पे तुम्हें आईआईटी भी मिलता है कैन आईआईटी भी मिलेगा ट्रिपल एम यूटी भी मिलेगा अब तुम्हारी चॉइस होगी तुम जामिया में जाना चाहते हो या आईआईटी में जाना चाहते हो या किसी एचबीटीयू का किसी इससे लोअर ब्रांच में जाना चाहते हो इट विल बी योर चॉइस ठीक है तुम्हें तो दिल्ली में पढ़ना है या कहाँ पढ़ना है कम पैसे में पढ़ना है या ज्यादा पैसे में पढ़ना है कैसा रिलीजन वाला माहौल चाहिए क्योंकि जामिया में नो डाउट यहाँ पे थोड़ा इस्लामिक कल्चर ज्यादा है ये तुम्हें तो इस्लामिक माहौल देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते हैं बहुत सारे अभी नॉन मुस्लिम्स अभी मैं दिखाऊंगा लिस्ट की कौन कौन सबसे बढ़िया तगड़ा पैकेज लेके गया है तो उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं मुस्लिम्स भी हैं ठीक है अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो 89 नाइन परसेंट प्लस लेके आना वुमेन वाले एट्टी सेवन प्लस पे एडमिशन हुआ था बाकी लोग अपना इस हिसाब से अंदाजा लगा देंगे नौ लाख रैंक तक कश्मीरी माइग्रेंट में एडमिशन हुआ था नौ लाख रैंक तक अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का, का है तो उनके लिए अलग रिजर्वेशन है तो उनका दो लाख रैंक डेढ़ दो लाख रैंक तक भी एडमिशन होने की संभावना रहती है इस बात पर डिपेंड करता है कि कर जम्मू एंड कश्मीर के कितने बच्चे इस बार जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सबसे लो रैंक तक मिलने वाला ब्रांच है जामिया में लगभग लगभग मान के चलिए एक लाख छत्तीस हज़ार जनरल की सीट बंद हुई थी एटी से ज्यादा होना चाहिए तुम एटी मान के चलो एटी मान के चलो मुस्लिम की वन थर्टी प्लस ही मान के चलना मुस्लिम एस सी ओबीसी और एस का एक ही रहता है ऐसा सच कोई अलग से नहीं है दैट इज 86.5 इससे तुम ज्यादा ही मान के चलो क्योंकि एक लाख सड़तालीस हज़ार पर लास्ट पिछली बार एडमिशन हुआ था सिविल में लड़कियों का बहुत बल्ले बल्ले है जो मुस्लिम वुमेन है पहले तो ये मुझे समझ में नहीं आता है ए मुस्लिम गर्ल क्यों नहीं लिखते हैं वुमेन क्यों लिखते हैं क्योंकि अभी तो गर्ल है तो जो मुस्लिम गर्ल है या इनकी भाषा में क्या तो मुस्लिम वुमेन है उनका जो एडमिशन हुआ था दो लाख ग्यारह हज़ार रैंक तक हुआ था पिछली बार और अगर आपका एट्टी वन परसेंटाइल भी है तो भी आपका एडमिशन होने की संभावना है आप बिल्कुल क्या कर सकते हो एक्सपेक्ट कर सकते हो तो लड़कियों के तो

खासकर जब बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है अब अगर मैं बात करूं तो देखो एटलानसियन यहाँ पे मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने टीपीओ से ही डेटा निकाला हुआ है वहीं से मैंने बच्चों को भेज के वहाँ से फोटो वोटो मंगवाए थे अब क्या है कि इसमें क्या है कि मंथ वाइज में डेटा आपको दिखा रहा हूँ अभी जो अब अब तक मुझे जो पता चला कि जो सबसे हाईएस्ट गया अटलांसियन आई थी काफ़ी अच्छी कंपनी है और फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन वन लगभग 60 साठ लाख का हाईएस्ट सीटीसी सी अभी तक के लिए आप सोच सकते हो और जो दूसरा हाईएस्ट था वो अट्ठारह से बीस के बीच में था मिस्टर बिकी गुप्ता का और उसके बाद जेनॉन आई थी वो मिस्टर अंकुर कुमार को लेके गई थी और शोबान जेनॉन फिर से जेनॉन तीन चार बच्चों को उठा के ले गई है काफ़ी सही कंपनी आई टी सेक्टर की आई थिंक ए पे काम करते हैं लोग तो मिस्टर शोबान फारूक और मिस्टर फरदीन हुसैन इन लोगों के अगस्त में इन लोगों की जॉब्स लगी थी ये सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं दीज आर इन कंप्यूटर साइंस ठीक है अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट तो ये दस लाख पे ये लोग गए थे ठीक है ऑक्ट्रो आई आई थी और बाकी नाइन्थ लाख में गए थे आ, अक्टूबर में एक कंपनी आई थी इनका अक्टूबर में इनका प्लेसमेंट हुआ था तो तुम देख सकते हो और सितंबर में भी बहुत सारी कंपनीज़ आई थी तो सितंबर में जो हा, हा, हाईएस्ट था वो एटीन पॉइंट फाइव था आ, हिमांशु कुमार का था और आ, इनका ट्वेल्थ पॉइंट एसेंचर आई थी तो एसेंचर तो कई लोगों को ले गई मतलब पाँच सात लोगों को एसेंचर लेके गई थी ठीक है Uh, बाकी नाइन लाख और आई uh, बी आई थी तो आई ने जो पैकेज दिया था वो फोर पॉइंट फाइव का दिया था एसेंचर कई लोगों को ले गई गई थी और ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव नाइन एल पी ले गई गई थी ठीक है फिर सीमेंस कोर ब्रांच में आई थिंक कोर में सीमेंस आई थी सीमेंस ये uh, uh, जो क्यूबिट लैब्स है नाइन पॉइंट थ्री का दिया था बाकी सीमेंस काफ़ी लोगों को ले गई थी ये अक्टूबर में ही आई थी आई थिंक सिक्स पॉइंट फाइव में ले गई सिक्स पॉइंट फाइव एल का पैकेज उसने दिया हुआ था और uh, दुबई की भी एक कंपनी आई थी उसका सी काफी कम था दैट वाज 4.05 उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोर में सिविल और मैकेनिकल के लिए एल आई थी और एल ने सिक्स एल दिया है सिक्स एल दिया है तो एल हर साल आती है आई थिंक और काफी बच्चे जाते हैं मतलब एल में तो ये ये तुम देख सकते हो ये कुछ अगस्त की कंपनीज़ है एक और ब्रांच की के लिए था तो आ, तुम देख लो एल ने छः से साढ़े छः लाख का पैकेज दिया था और बहुत सारे बच्चों को एल लेके गई थी तो ये कुछ डेटा था प्लेसमेंट का डेटा जो अभी चल रहा है अक्टूबर अभी जो चल रहा है उसका डेटा था तो मैं लेटेस्ट डेटा इसलिए दिखाया क्योंकि लेटेस्ट डेटा ज़्यादातर जगहों पर अवेलेबल नहीं, अवेले नहीं है आई थिंक जामिया वालों ने भी डेटा को बहुत अच्छे से वो नहीं किया है तो यहाँ पर देखो कोर में भी कंपनियाँ आती हैं सिविल मैकेनिकल में पर ज़्यादा नहीं आती हैं सिविल का प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है वही एलएनटी वलेंटी आती है कंस्ट्रक्शन की कंपनियां बाकी तो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट ठीक है इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कोडिंग करके कंप्यूटर वालों के साथ बैठ जाते हैं मैकेनिकल में भी वही है थोड़ा सा बाकी तो ये जो तुम देख ही रहे हो अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं एवरेज पैकेज इसका बढ़ता जा रहा है इस साल बढ़ा है दैट वाज एनआईआरएफ डेटा बोलता है कि इनका 7.5 लाख का एवरेज पैकेज है तो देखो अगर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ठीक है तुम जाओ फिर तो तुम आई एनआईटी या किसी अच्छे ट्रिपल आईटी में जाओ मतलब इलाहाबाद वगैरह में लेकिन अगर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि रैंक लो है क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी होती है हमारे परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पे और अगर तुम्हारी रैंक लो है या फिर तुम्हें इकोनॉमिकल कंडीशन वाली बात है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज तुम पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पर जो जो चीज़ें मैं बताई उसका भी तुम ध्यान रखोगे ठीक है तो साढ़े लाख का इसका मीडियम सैलरी है और परसेंटेज प्लेसमेंट भी ठीक है नॉट बैड ये तुम देख सकते हो क्योंकि यहाँ से बच्चे हायर एजुकेशन में भी जाते हैं तो पिछली बार 82 बच्चे हायर एजुकेशन में गए थे तीन सौ ऑलमोस्ट 360 बच्चे थे जिसमें से 270 सौ प्लेसड हो गए और बाकी लोग हायर स्टडीज़ में गए तो ये कुल प्लेसमेंट का डेटा था जामिया का आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाउ इज़ जामिया जामिया का एडमिशन प्रोसेस क्या है अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो तुम मुझे बताना और तुम अगर कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो तो तुम उसे भी ज़रूर ऐड करना कमेंट बॉक्स में अगर कोई जामिया का बच्चा देख रहा है तो बिल्कुल हमें और प्लेसमेंट का डेटा भेज सकता है ठीक है और अगर कोई पॉइंट रह गया हो जो तुम्हें लगता हो कि इंक्लूड करना चाहिए तो यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो बाकी तो बिल्डिंग वगैरह सही है लैब्स वगैरह सही है नो no इशू जामिया इज तो वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज तो यू कैन च्वाइन इट ओके गाइज तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टाटा एंड जय हिंद